प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम जो आयाम है उसको लेकर आज लखनऊ में प्रदर्शनी लगाई गई है। इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो भी इन प्रदर्शनी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन महिलाओं से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। आज आप लोग प्रदर्शनी देखने के लिए आई हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीता तिवारी नाम है। और जी प्रदर्शनी देखने आई हैं, कैसा लगा? क्या जी प्रदर्शनी के साथ साथ मुझे, मैं भाजपा की बहुत ही कट्टर और मतलब बहुत ही कुछ कार्यकर्ता हूँ और बचपन से हमारे यहाँ खून रगों में खून दौड़ा रहा है। कार्यकर्ता आप भी हैं भाजपा की? जी मैं नगर महामंत्री अर्चना साहू। आप लोग प्रदर्शनी देखने आई, इनको देखने के बाद क्या लगा मन में? इनको देखने के बाद हमें यही लगता है कि अपने देश के लिए जो जज्बा होना चाहिए वो मोदी जी को देख के हम लोग के अंदर वही जज्बा फिर से उभर के आ रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं हमें उनके मार्गदर्शन पे चल के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा मोदी जी कर रहे हैं वैसा ही देश के लिए आप लोग भी करना। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को कहते हैं उनके जन्मदिन की उनको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जैसा कर दिया और उनकी हमने जितनी प्रदर्शनी देखी जो कि हम नहीं जानते थे उनके बारे में, लेकिन जब उनको देखा उनका युवा चेहरा देखा तो लग रहा है कि हाँ, क्योंकि हमने तो उनको वैसे ही देखा था लेकिन अब युवा चेहरा देख के लग रहा है कि हाँ, इनके तो चेहरे में पहले से ही तेज था तो उन्हें तो प्रधानमंत्री बनना पहले से ही तेज था। हाँ पहले से ही तेज था और उन्हें प्रधानमंत्री बनना था क्योंकि उन्होंने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? बिंदु मिश्रा। बिंदु जी प्रदर्शनी देखी, देखने के बाद क्या लगा मन में? क्या मन में यही विचार आ रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति भी इतने ऊंचे पद पे बैठ सकता है और फिर मोदी जी की तो बात ही कुछ और ही है, पूरे बच्चों के, बूढ़ों के, युवाओं के, सबके ही प्रिय है। आपका शुभ नाम? सीमा दुबे। प्रदर्शनी देखा आपने? जी। क्या लगा प्रदर्शनी देखने के बाद? क्या एक मोटिवेशनल है इनकी जीवनी जो भी है हमारे पीएम जी की, नरेंद्र मोदी जी की। पहले तो मैं उनको उनके बर्थडे के 74वें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वो ऐसे ही अपने कार्यों पर अग्रसर रहें, ऐसे ही अपने देश के लिए कार्य करते रहें और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। आप किस तरीके से बधाई देना चाहते हैं? जब ये प्रदर्शनी देखी तो मुझे लगा इतने सारे चीज़ें जो मुझे अवगत ही नहीं कराई थी, ये तो बच्चों को इंस्पिरेशन देगी अगर वो देखेंगे, न्यू जनरेशन वाले कि उन्होंने कहाँ से अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचे, तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले जो ये प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। मैं तो हुई लेकिन ये बच्चों को बहुत इंस्पिरेशन देगा। तो देखिए जो तमाम महिलाएँ हैं जो यहाँ पहुँची हुई हैं उनका कहना है कि वो इस प्रदर्शनी को देखने के बाद उनको तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उनके जीवन के बारे में पता चली है। उनका ये भी कहना है कि इन चीज़ों से वो खुद तो मोटिवेट हो ही रही हैं और वो अगर बच्चे भी, जो युवा पीढ़ी है वो भी अगर इस प्रदर्शनी को देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।